रोटी पराठे पूरी सबके साथ ये बहुत ही अच्छा लगता है खाने के लिए। चलिए फिर इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। आलू पालक बनाने के लिए सबसे पहले पानी गर्म करके इसमें थोड़ा सा नींबू मैं निचोड़ दूंगी। नींबू निचोड़ने से क्या होता है, पालक का जो कलर होता है वो बरकरार रहता है। वैसे तो हम इसको उबालने के बाद ठंडे पानी से भी धोते हैं इसकी कलर बरकरार रहने के लिए, पर नींबू भी डालना उतना ही ज़रूरी होता है। पालक को मैंने अच्छे से धो के इसको रखा है। पालक को जब भी आप बनाएं इसको अच्छे से धोना बहुत ही ज़रूरी होता है। 5 मिनट के लिए हम पालक को उबालेंगे। ये मेरा पतीला थोड़ा छोटा है इसीलिए एक साथ ज़्यादा पालक इसमें नहीं आ पा रहा है, इसीलिए मैं इसको उबाल के निकाल लूँगी, फिर हम ये वाला पालक डालेंगे। एक बार के लिए इसको पलट देंगे। मैं इसको कवर नहीं कर रही हूँ, इसको ऐसे खुले में पकाऊंगी। और ये मेरे पास 1 इंच अदरक का टुकड़ा कटा हुआ है और 10-12 छोटी छोटी लहसुन की कलियां हैं जिसको मैंने छील के रखा है, ये भी डाल देती हूँ। ये भी इसके साथ हम उबाल लेंगे। ये मेरा पालक जो है वो उबल चुका है। अभी इसको मैं सीधे डालूंगी ठंडे पानी में। यहाँ पे मैंने सारे पालक को 5 मिनट के लिए बॉईल करके इसको ठंडे पानी से धो लिया है। इसके साथ साथ मेरा ये अदरक लहसुन वो भी थोड़ा थोड़ा बॉईल हो चुका है। अभी हम इसको ग्राइंडिंग कर लेंगे, इसका एक पेस्ट बनाएंगे। तो फिर मैंने ले लिया है जार, अभी इसमें डाल देंगे। और ये ज़रूर ध्यान में रखना हम पानी बिल्कुल भी नहीं देंगे पेस्ट करते टाइम, क्योंकि वैसे भी बहुत सारा पानी है पालक के अंदर। इसको ऐसे ही हम पेस्ट करेंगे। ये देखिए मैंने इसको अच्छे से ग्राइंडिंग कर लिया है, कलर बहुत अच्छा आया है इसका। इसको अभी मैं साइड कर देती हूँ। अभी मैं काटूंगी, 2 ग्रीन चिली लिया है इसको बारीक काट लेंगे। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा लहसुन लिया है, इसको बारीक चॉप कर लेंगे। इसको एक बोल में ट्रांसफर कर लेंगे। एक प्याज लिया है, प्याज को भी काट लेंगे। इसको एक बोल में ट्रांसफर कर लेंगे। एक बड़ा साइज का टमाटर मैंने लिया है, इसको भी काट लेंगे। ट्रांसफर कर देंगे एक बॉल में। 5 छोटे साइज के आलू को मैंने अच्छे से छिलका निकाल के धो लिया है, इसको अभी मैं
बस ऐसे ही काट दूंगी, बस ऐसे ही। इसको ऐसे एक बोल में ट्रांसफर कर लेंगे अच्छे से धो के। सबसे पहले हमें ये करना है, हमारा जो आलू है उसको फ्राई करके निकाल लेना है। इसीलिए मैं ले रही हूँ थोड़ा सा ज्यादा ऑयल, 4 बड़े चम्मच तेल मैंने यहाँ पे ले लिया है। तेल को अच्छा सा गर्म होने देंगे, फिर जाके हम आलू इसमें डालेंगे। अगर तेल अगर ज्यादा गर्म नहीं हुआ होगा और हम आलू डाल देते हैं उसमें, तो क्या होता है, हमारा जो आलू है वो ज्यादा ऑयल एब्जॉर्ब कर लेता है। इसीलिए आलू जब भी डालें अच्छा गर्म तेल में ही डालें। तेल मेरा गर्म हो चुका है, अब मैं डाल देती हूँ इसमें आलू। अभी इसमें डाल देंगे राई और जीरा, फिर डालेंगे थोड़ा सा हींग, फिर डालेंगे प्याज और हरी मिर्च। प्याज को हम थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट कर लेंगे। प्याज थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट हो गया है, अभी डालेंगे लाल मिर्च, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, थोड़ी सी हल्दी। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। गरम मसाला भी डाल देंगे। मसाले को थोड़ा सा भुनने के बाद अभी हम डाल देंगे कटी हुई टमाटर। इस टाइम पे हम डाल देंगे नमक, ताकि हमारा टमाटर जो है वो जल्दी सॉफ्ट हो जाए। इसको कवर करके टमाटर को थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेंगे। इसको अभी चेक कर लेंगे, टमाटर हमारा थोड़ा सा ही सॉफ्ट हो गया है। अभी इस पे थोड़ा सा ही पानी डाल देंगे। और ये जो आलू को हमने फ्राई करके रखा था इसको भी डाल देंगे, क्योंकि आलू को हमने खाली कलर किया था, ये ठीक से कुक नहीं हुआ है, तो इसीलिए मसालों के साथ इसको थोड़ा सा हम कुक कर लेंगे, ताकि आलू हमारा अच्छे से पक जाए। इसको 5 मिनट के लिए हम कवर कर देंगे। अभी हमारा आलू को चेक कर लेंगे, ये देखिए सब्जी का कितना अच्छा कलर आया है। आलू को देख लेते हैं, आलू भी मेरा उबल चुका है, अच्छे से कुक हो चुका है आलू। अभी हम इसमें पालक का जो पेस्ट बना के रखा था इसको डाल देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 5 मिनट के लिए इसको कवर करके कुक होने देंगे। यहाँ पे सब्जी हमारा बन चुका है। अभी एंड में मैं इस पे थोड़ा सा आटा डाल दूंगी, ताकि हमारा जो एक्स्ट्रा जो मॉइस्चर है आटा उसको अब्जॉर्ब कर लेगा। ये हमारा सब्जी बनके तैयार है, पर इसको फाइनल टच देना अभी बाकी है।
गैस को इस टाइम पे मैं बंद कर दूंगी। अभी इसमें तड़का लगाएंगे। सब्जी को मैंने इधर एक ग्लास बाउल में निकाल लिया है। अभी इसको तड़का लगाएंगे। यहाँ पे तड़का पैन को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। अभी मैं इसमें डाल दूंगी एक चम्मच घी। आप चाहे तो बटर भी डाल सकते हैं। जैसे कि हमारा जो घी है वो गर्म हो जाए, मैं इसमें डाल दूंगी बारीक कटा हुआ लहसुन। बस थोड़ी देर के लिए हम लहसुन को भून लेंगे। अभी मैं गैस को बंद कर दूंगी। अभी मैं इसमें डाल दूंगी एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। इसमें कलर बहुत ही अच्छा आता है। इसको मिक्स कर देंगे ऐसे। अभी इसको मैं सब्जी पे डाल दूंगी। रोटी पराठे पूरी सबके साथ ये बहुत ही अच्छा लगता है खाने के लिए। चलिए फिर इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं।